लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने राज्य की शिक्षा रैंकिंग के बारे में चिंताओं को संबोधित किया, चुनौतियों को स्वीकार किया और परिवर्तनकारी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। संगमा ने सीखने के परिणामों में पर्याप्त सुधार लाने की मकसद से NCERT दिशा निर्देशों और पाठ्य पुस्तकों को अपनाने की रणनीतिक निर्णय के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला। 45 वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को बदलने की कठिनाई को स्वीकार करते हुए संगमा ने विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि NCERT पुस्तकों की शुरुआत राज्य को प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स के साथ संरक्षित करने की अनुमति देती है, जो सीखने के परिणामों के लिए एक मानकीकृत उपाय प्रदान करती है। संगमा ने बताया NCERT पुस्तकों को अपनाने से राज्य के प्रदर्शन में उल्लेखनीय 15-25% सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि ये किताबें पहले से ही सीखने के परिणामों के साथ मैप की गई है। इस कदम को पिछले पाठ्य पुस्तकों के साथ मौजूद सामग्री की गुणवत्ता में अंतर को पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। मुख्यमंत्री ने देश के अन्य हिस्सों में अपनी समकक्षों की तुलना में मेघालय के छात्रों को पढ़ाई जाने वाले समग्र में असमानता के बारे में चिंता व्यक्त की। NCERT पुस्तकों को लागू करके राज्य का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि छात्र उच्च शिक्षा के लिए बेहतर रूप से तैयार हो और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो। संगमा ने स्वीकार किया, ऐसे निर्णय कठिन हो सकती है लेकिन राज्य की शिक्षा प्रणाली की समग्र विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने मेघालय के छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने के लिए सही निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया, भले ही वे चुनौतीपूर्ण हो। Bringing the NCERT guidelines and norms allows us to map, as per the performance grading index, the learning outcomes that are there. These are already mapped in NCERT books, whereas under the EMBOS textbooks which we used to have before, these were not mapped. And hence, the learning outcomes is the basis on which the performance grading index is actually given. So, a simple step of taking the NCERT books will now give us anything between 15-25% improvement in our markings just by adopting NCERT books. And not only that, you won't believe it, that some of our textbooks, what we study in class 8 in EMBOS, the textbooks we had before, it was being taught in NCERT in class 5 and 6. And hence, there was a huge gap between the quality of the content that our students were being taught, and hence obviously it would affect them when they would go to higher education and when they would start competing with the rest of the country and the rest of the world. And hence another tough decision, but we had to do it, keeping in mind, as said by our former minister, Malakman, a right decision, you know, and this time even a good decision, I should say. But it's the right decision, a tough decision, and we have to take that. लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।